तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, आज आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज मेरे घर में बड़े गोश्त की ये बिरयानी पकी है और थोड़ा सा सालन पका है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका भाई जवाद हुसैन और आप देख रहे हैं जवाद हुसैन सिंधी यूट्यूब चैनल। और आज हम मुसलमानों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ईद का दिन है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, आज आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। जो मेरे भाई मुझे जानते हैं पहले, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे यार माफ़ करें। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर वीडियो में कोई मैंने गलत बात की हो और जिन भाइयों की दिल आज़ारी हो गई हो, तो वो भी मुझे माफ़ कर दें यार प्लीज़। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे गांव में किस तरह ईद मनाई जाती है और यहाँ के लोग किस तरह तैयारी करते हैं और यहाँ किस तरह घूमते हैं। वो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ आया हूँ कब्रिस्तान अपने अजीज़ों से मिलने, जो कि इस फ़ानी दुनिया से वफात कर गए हैं। दोस्तों, ये मेरे वालिद साहब की कब्र है। मेरे वालिद साहब 2006 को पाकिस्तान आर्मी में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। और इनके साथ ये मेरे परदादे की कब्र है। और इनके थोड़ा सा नज़दीक ये मेरे पड़ नाने की कब्र है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हर जुमे को और हर बड़े दिनों को हम यहाँ आएं और अपने अजीज़ों के लिए दुआए मगफिरत करें, क्योंकि आज अगर हम किसी की कब्र पर आएंगे और दुआ करेंगे, कल हमें भी मरना है। कल को हमारी कब्र पर भी कोई आएगा, दुआए मगफिरत कर जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं कब्रिस्तान से घर। और कब्रिस्तान में बहुत गर्मी थी, जिसकी वजह से अभी बहुत शिद्दत की भूख लगी है। अभी मैं खाना खाऊंगा। और आज बड़ा दिन है, क्योंकि हर किसी को इंतज़ार होता है कि आज बड़े दिन में हमारे घर में अच्छी डिश पकेगी। तो इसी तरह मुझे भी इंतज़ार था कि हमारे घर में क्या पकेगा। तो दोस्तों, आज मेरे घर में बड़े गोश्त की ये बिरयानी पकी है और थोड़ा सा सालन पका है। अभी मजा आएगा ना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरे घर में क्या पका है। ये बिरयानी देख के मुझे बहुत मुंह में पानी आ रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। क्योंकि मेरी फेवरेट डिश बिरयानी है। टेस्ट करते हैं ये किस तरह बिरयानी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार, क्या बिरयानी पकी है। तो फ्रेंड्स, खाने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। अब चलता हूँ बाज़ार की तरफ, आपको बाज़ार का व्यू करवाता हूँ मैं। देखते हैं यहाँ पर लोगों ने कितनी तैयारी की है। मैं अभी पहुँच चुका हूँ बाज़ार। ये देखें, दुकानें स्टार्ट हो गई हैं। जी फ्रेंड्स, आपने यहाँ का बाज़ार देखा, बहुत ही छोटा था, इतना बड़ा नहीं है। अभी शाम का टाइम था, इसलिए रश थोड़ी सी कम थी। सुबह को बहुत सारी रश थी। अभी कुछ लोग यहाँ के अपने अपने घरों को चले गए। यहाँ चारों तरफ से छोटे छोटे गांव हैं, जहाँ से लोग आते हैं यहाँ शॉपिंग करने और यहाँ होटलों पर इंजॉय करने आते हैं। लेकिन अभी वो घर चले गए, इसलिए आपको थोड़ी सी कम रश नज़र आई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने देखी कि मैं आज कहाँ कहाँ गया था। इतना ख़ास मैं आज गांव से अपने बाहर नहीं गया, सारा दिन घर पर ही था। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर एक और न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी, एक और न्यू लोकेशन पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।